पासपोर्ट को लेकर अक्सर व बेशतर शिकायत सुनने को मिलती थी कि सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई, सीआईडी वेरिफिकेशन सही नहीं आई, या सीआईडी वेरिफिकेशन में कह दिया गया कि आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता है। हालांकि सीआईडी वेरिफिकेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि सीआईडी विभाग एक आदमी के एंटीसिडेंट्स, एक आदमी का कैरेक्टर, उसका कोई आतंकवाद या अलगाववाद से कोई लेना देना तो नहीं है, इन तमाम चीजों की वेरिफिकेशन करके वो रिपोर्ट जो है पासपोर्ट विभाग को भेजते हैं और उसी रिपोर्ट की बिना पर फिर आपका पासपोर्ट बनता है। उसके बाद सरकारी मुलाजमत बहुत सारे नौजवानों की लगी। कुछ नौजवान डोडा से भी मेरे पास आए, उन्होंने भी कहा कि मेरे 25 साल पहले या 20 साल पहले या 22 साल पहले मेरे पिताजी थे या मेरा चाचा था या मेरा मामा था, वो आतंकवादी था, लेकिन उसको मरे हुए लगभग 20 से 22 साल हो चुके हैं, तो उसके बावजूद जब मेरी सीआईडी वेरिफिकेशन की बारी आई तो मेरी सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई, जिसके चलते मुझे सरकारी मुलाजमत नहीं मिली। उसके अलावा और भी इसी तरह की कई सारी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें नौजवानों ने ये शिकायत की कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी लायकी की बुनियाद पर नौकरी हासिल की, लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद मेरी सीआईडी वेरिफिकेशन जब हुई तो मुझे ये बताया गया कि तुम्हारा मामा या तुम्हारा चाचा या तुम्हारा ताया या तुम्हारा फुफड़ या तुम्हारा भाई या तुम्हारा घर का कोई सदस्य जो है वो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आतंकवाद में लिप्त था, आतंकवादी था, मारा गया, आतंकवादी मारा गया और उसके खिलाफ एक FIR थी फला थाने में। वो तमाम डिटेल्स जब मेरे साथ जोड़ दी गई तो नतीजा ये निकला कि मेरी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई और उस नेगेटिव वेरिफिकेशन के चलते मुझे सरकारी मुलाजमत में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला। अब ये सारी शिकायत आ रही थी और इन शिकायत को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भी अच्छा खासा शिकायत का अंबार लग गया था, जिनमें यही तमाम शिकायतें लोगों ने की थी। उसके बाद आज दिशा निर्देश दिए गए हैं और एक पब्लिक ग्रीवेंस सेल पासपोर्ट वेरिफिकेशन केसेस के लिए, सर्विस वेरिफिकेशन केसेस के लिए और उसके अलावा जितनी भी वेरिफिकेशंस होती हैं वो सीआईडी हेडक्वार्टर श्रीनगर में गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर के पास जो एस्टैब्लिश किया गया है। और किसी भी आम आदमी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन या उसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी सीआईडी वेरिफिकेशन है उससे लेकर कोई भी शिकायत हो तो वो ट्यूजडे के दिन 12 बजे के बाद जो है इस सेल में जा सकते हैं, सीआईडी हेडक्वार्टर्स में जा सकते हैं और अपनी पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर वहां पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी सर्विस वेरिफिकेशन को लेकर और हकीकत क्या है, सीआईडी रिपोर्ट में क्या आया है, उन तमाम चीजों को अफसरान के सामने रखकर मुतालबा कर सकते हैं कि ये जो आपने रिपोर्ट तैयार की है इस रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो आज के वक्त और आज के टाइम से मेल नहीं खाती, ये सारी चीजें आप वहां पर कह सकते हैं। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आपको आना है तो आने से पहले आपको करना ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है या आपने ईमेल करना है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए सेल नंबर है 9906126468, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी तफसील भेज सकते हैं और आपकी तफसील जब सीआईडी डिपार्टमेंट को मिलेगी, इस तफसील के मिलने के फौरन बाद सीआईडी डिपार्टमेंट आपको बुला लेगा। दोबारा से सेल नंबर सुने 9906126468। उसके अलावा ईमेल आईडी भी है grievance@cidjk.jkpolice.gov.in। यह हम अपने जो लाइव है, इस लाइव के खत्म होने के बाद ये मैं ऊपर अपने कैप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको मदद हो। उसके बाद एक लैंडलाइन नंबर भी है 0194-245-9935, 0194-245-9935। और इसी तरह का एक पब्लिक ग्रीवेंस सेल सीआईडी हेडक्वार्टर्स कैनाल रोड जम्मू में भी ओपन होगा, लेकिन ये ओपन होगा जब दफ्तर श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होंगे। तो इसका मतलब 11 नवंबर के बाद ये दफ्तर जम्मू में खुलेगा, लेकिन 11 नवंबर तक ये दफ्तर श्रीनगर में होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो सीआईडी डिपार्टमेंट में एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे दफ्तर फिरते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको ये नहीं पता चलता था कि उनकी वेरिफिकेशन जो नेगेटिव की गई है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं या जो बातें उनकी वेरिफिकेशन में कही गई हैं वो किस बुनियाद पर कही गई हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक सच
जो आपको मालूम होता है और दूसरा सच जो दूसरी साइड को मालूम होता है। तो एक साइड का सच सुनने के बाद दूसरी साइड का सच सुनना भी जरूरी है। जाहिर सी बात है सीआईडी विभाग के लोग जब कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं वो रिपोर्ट जो रिकॉर्ड उनके पास होता है उस रिकॉर्ड की बिना पर तैयार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट बन रही होती है उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का। मिसाल के तौर पे डोडा का एक नौजवान सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में अच्छे खासे रैंक के साथ सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद वो मारा मारा फिर रहा था कि भाई कहीं पर कोई मुझे मौका मिले, कोई मेरी बात सुने, कोई मेरी बात जो है हुकूमत तक पहुंचाए। उसके बाद मेरे साथ भी उस नौजवान की मुलाकात हुई, उसने मुझे भी ये सारी कहानी कही, लेकिन मैंने भी यही कहा कि जहां पर भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उस मामले में सरकार की पॉलिसी ये है कि अगर आपका करीबी कोई आतंकवादी रहा है तो फिर सरकारी मुलाजमत पर आपका हक नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी थी कि सरकारी मुलाजमत पर आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहें और दूसरी तरफ सरकार आपको मुलाजमतें देती रहे। जैसा पास्ट प्रेसिडेंट रहा है कि अलगाववादी नेताओं के बच्चे, अलगाववादी नेताओं के अलावा कई आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं के बच्चे, कमांडरों के बच्चे सरकारी मुलाजमत में आ गए। तो वो जो आम बच्चा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो आम बच्चा ये सवाल पूछता है कि जनाब हमारा कसूर ये कि हमारे 25 साल पहले 30 साल पहले कोई आतंकवादी बना, आप हमको मुलाजमत नहीं देते, लेकिन वो जो सरगना थे, वो जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, जिन लोगों ने आतंकवादी बनवाए, आपने उनके बच्चों को नौकरियां भी दे दी, आपने उन बच्चों को सरकारी एस्टेब्लिशमेंट में हिस्सेदार भी बनाया, आपने उनको सरकारी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी बनाया। तो जाहिर सी बात है इस मामले का निपटारा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने करने का फैसला किया है और नतीजा ये निकला है कि सीआईडी विभाग में ग्रीवेंस सेल जो है वो ओपन किया गया है। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि जब हम बरसर इक्तदार आएंगे तो सीआईडी वेरिफिकेशन और पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन और जो बाकी तमाम वेरिफिकेशन हैं, उन वेरिफिकेशन में जो दिक्कतें नौजवानों को आती हैं, आम लोगों को आती हैं, उनको दूर करने की कोशिश हुकूमत करेगी। ये जाहिर सी बात है उनका भी एक वादा है और उनके मैनिफेस्टो का बाजाबता ये हिस्सा है जिसमें उनने कहा है कि ये जो तमाम चीजें हुई, हालांकि उनने से आगे भी कहा है कि जिन लोगों को सरकारी मुलाजमतों से बाहर निकाला गया है इस बुनियाद पर कि उनका आतंकवाद से या अलगाववाद से कहीं कोई रिश्ता था, तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि उन मामलात में भी किसी किस्म का रिलीफ आम लोगों को दिया जाए। पर यह बड़ी खुशाइन बात है कि इससे पहले कि हुकूमत इस पर कोई अमल दरामद करती या हुकूमत को इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर के साथ तगादव करनी पड़ती, इससे पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के दफ्तर ने ग्रेवेंस सेल, चूंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जाहिर सी बात है उन्हीं की डायरेक्शन के मुताबिक वो काम करता है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि एक ग्रीवेंस सेल जो है वो सीआईडी हेडक्वार्टर श्रीनगर में, फिलहाल ग्रीवेंस सेल सीआईडी हेडक्वार्टर श्रीनगर में काम करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से आपको वो दोनों नंबर बताऊंगा ताकि आपका फायदा हो। ग्रीवेंस सेल बनाया गया गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर के पास जो सीआईडी हेडक्वार्टर से, वहां आपने जाना है और ये ट्यूसडे को 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद आपको मौका मिलेगा, आप वहां जाकर अपनी बात रख सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9906126468। ईमेल आईडी है grievance-cidjk@gkpolice.gov.in और लैंडलाइन नंबर है 01942459935। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्रीवेंस सेल खुला है ये बहुत हद तक आपकी परेशानियों का अजाला करने में कामयाब साबित होगा। यहां इस बात की बड़ी ज्यादा जरूरत है कि बड़ी दर्दमंदी के साथ और एक बड़ा दिल करके उन नौजवानों को, जिन नौजवानों का कोई कसूर नहीं, उनके घर में या उनके खानवादे में अगर 20 साल पहले 25 साल पहले कोई दहशतगर्द था तो इन बच्चों का कोई कसूर नहीं। उम्मीद ये कि हुकूमत इस मामले को बड़ी सीरियसनेस के साथ लेगी और जो ये आज ग्रीवेंस सेल को खोलने का फैसला किया गया है, ये फैसला बड़ा खुशाइन फैसला है और ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से हुआ है वो भी समझ में आता है क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। मगर यहां ये बात बताना भी बहुत जरूरी है कि कल ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई और उसके अलावा ये बताना भी जरूरी है कि ये उनके मंशूर का भी हिस्सा था। तो बड़ा मुझे लगता है कि खुशाइन माहौल में तमाम चीजें हो रही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये समझते हुए
ये वो चीजें जो लोगों को राहत दिला सकती हैं, उन तमाम चीजों को समझते हुए उन्होंने ये ग्रीवेंस सेल को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। वहीं पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए भी ये खुशाइन बात है कि उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, उस मैनिफेस्टो का जो एक अहम हिस्सा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये वेरिफिकेशन वाला सिलसिला था, उस कंपोनेंट को ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एड्रेस किया है।